अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूँ पीपीएससी के लिए, जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं आपके लिए स्पेशल। तो आज हमारा पार्ट फाइव है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर, ठीक है, वो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अगर आप ये नोट्स रिवाइज कर लेते हैं, एक मिनट रीड कर लेते हैं पेपर देने से पहले पीपीएससी का कोई भी, तो इनशाला आप इजिली जनरल नॉलेज अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और जनरल नॉलेज पीपीएससी नहीं खाली, एनटीएस और टीएस, ये तो फिर इजीली अटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, लाजमी आप रिवाइज कीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स आपके लिए मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, और ये पास्ट पेपर्स के जो एमसीक्यूज हैं वो भी हैं, और अपकमिंग जो पेपर आने वाले हैं उनमें भी ये एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ओके, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले जल्दी से मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे जो और वीडियोज़ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एमसीक्यूज की, एनटीएस की भी, एफपीएससी, सीएसएस, तो ये तमाम एमसीक्यूज आप तक पहुंच जाया करें। ठीक है, तो चलें हम अपना फर्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो है द लाइगमेंट्स ज्वाइन, लाइगमेंट्स ज्वाइन करता है म्यूकल्स टू म्यूकल्स, बोन टू बोन, म्यूकल्स टू बोन, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो जो लाइगामेंट्स है ये ज्वाइन करता है बी, यानी कि बोन टू बोन को ज्वाइन करता है। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह एमसीक्यूज है, विच किंग वाज फर्स्ट एड्रेस्ड एज योर मैजेस्टी, किस बादशाह को सबसे पहले ऐसे एड्रेस किया गया था योर मैजेस्टी से। ठीक है, तो कौन सा फर्स्ट बादशाह था, वो अकबर, लॉइस, विक्टोरिया या हेनरी। तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, तो हेनरी जो किंग था उसे ये सबसे पहले एड्रेस किया गया था योर मैजेस्टी के नेम से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस वाज रिटन बाय, तो एशियन ड्रामा था इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस, ये किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू ने, या गोमर माइडरल ने, या थॉमस पेन ने, या जोसेफ कॉन्ट्रेड ने। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, गोमर माइडरल ने ये सबसे पहले ये ड्रामा, जो एशियन ड्रामा, ये लिखा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से है जी आर पी एस स्टैंड फोर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जनरल प्रॉपर रेडियो सिस्टम, या ग्रैंड पॉकेट रिकॉर्ड सर्विस, या नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से एमसीक्यूज है, चांसलर इज द हेड ऑफ द स्टेट इन, जो चांसलर वो हेड है स्टेट में। अच्छा, चांसलर किसकी स्टेट को हेड है, स्टेट का नाम है। ठीक है, चांसलर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, या ए और बी। तो इसका राइट आंसर है बोथ। ठीक है, याद रखिएगा दो कंट्री हैं, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, जिनके जो स्टेट है उसे चांसलर कहते हैं। ठीक है, चांसलर, ओके, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है मिचेल एंग्लो वाज फेमस आर्टिस्ट एंड पेंटर, मिचेल एंग्लो मशहूर आर्टिस्ट भी और पेंटर भी, किसका, स्पेन का, इटली, नेदरलैंड, या फ्रांस। तो उसका राइट आंसर है बी, ये इटली का है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मैन हु सक्सेसफुल क्लाइंब मिस्टर माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 1953 में पहला शख्स का नाम बताएं, फर्स्ट पर्सन वो कौन था जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ा था 1953 में, एडमंड हेलरी, फ्रैन फिप्स, जेम्स प्रेजेंट, या जैक्यू चार्ल्स। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है। ठीक है, जो एडमंड हेलरी है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले 1953 में चढ़े थे। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज इन्वॉल्व इन वाटरगेट स्कैंडल, कौन से फर्स्ट प्रेसिडेंट यूएस के हैं जो कि इन्वॉल्व थे वाटरगेट स्कैंडल में, उनका नाम क्या है, रिचर्ड एम निक्सन, रिनॉल्ड रेगन, या जॉर्ज बुश, या जॉनसन। तो उसका राइट आंसर ए है हमारे पास, रिचर्ड निक्सन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसी तरीके से है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आईसी कॉन्टिनेंट, आईसी कॉन्टिनेंट में से कौन सा है, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रिया, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, आपको पता है आइस जो आईसी कॉन्टिनेंट वो अंटार्कटिका ही कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है द सेकंड एटम बॉम्ब वाज ड्रॉप ऑन नागासाकी, जो सेकंड एटम बॉम्ब नागासाकी पे गिराया गया था वो कब गिराया गया था, अगस्त 1914 में, 9 अगस्त 1945 में, अगस्त 6 1943, या अगस्त 9 1943। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, 9 अगस्त 1945 में ये बॉम्ब गिराया गया था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है वेयर इज रेड क्रॉस सिचुएटेड, जो रेड क्रॉस वो सिचुएटेड है कश्मीर में, मॉस्को में, चाइना में, या न्यूयॉर्क में। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है बी, जो रेड क्रॉस है वो मॉस्को में। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज द ओनली पर्सन टू विन द टू अनशेयर नोबेल प्राइजेस फॉर पीस एंड केमिस्ट्री, फर्स्ट पर्सन का नाम बताएं जिसने जीते थे पीस एंड केमिस्ट्री। ठीक है, ओनली पर्सन है, वाहिद शख्स है जिन्होंने दो प्राइज पीस और केमिस्ट्री में जीते थे। ठीक है, वो उनका नाम क्या है, बर्ट्रांड रूसल, या रोमैन रोलांड, या एम एस लॉडबर्ग, या डॉक्टर लाइनस पुलिंग।
तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी है, डॉक्टर लाइनस पुलिंग ये वाहिद पर्सन है जिन्होंने पीस और केमिस्ट्री दोनों में नोबेल प्राइज विन किए थे। नेक्स्ट है यूरो करेंसी वाज लॉन्च्ड इन, जो यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी ये कब हुई थी, डेट हमने बताना है जनवरी 1997, मार्च 2000, फरवरी 1998 या जनवरी 1999। तो इसका हमारे पास राइट आंसर है डी, जनवरी 1999 में यूरो करेंसी लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है नेम ऑफ द फर्स्ट क्लोनिड शीप, क्लोनिड शीप का नाम बताना है सबसे पहला, डॉली है, मिकी है, मेमन है या जैकर है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर ए, डॉली डॉली को सबसे पहला क्लोनिड शीप है, ठीक है याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एथलिंग, ओल्डेस्ट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द पार्लियामेंट ऑफ एथलिंग, आपको पता है ये ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है दुनिया की, जो कि ये पार्लियामेंट है ठीक है, ये किस कंट्री की है, डेनमार्क, आइसलैंड, यूके, यूएसए। तो आपको पता है ओल्डेस्ट पार्लियामेंट वर्ल्ड की वो किसकी है, आइसलैंड की जो पार्लियामेंट है वो ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या है, आइसलैंड ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेजर नॉन नेटो अलॉय, मेजर नॉन नेटो अलॉय है इस पाकिस्तान, इजिप्ट, तुर्की, इसराइल। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, पाकिस्तान ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को इज लोकेटेड, जो हेडक्वार्टर यूनेस्को का है वो लोकेटेड है बर्न में, जनीवा में, पेरिस में या लंदन में। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है सी, आपको पता है जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। नेक्स्ट है विच कंट्री हैव शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, कौन सी कंट्री शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन रखती है दुनिया में, ग्रेनाडा या मोनाको, माल्टा या सैन मैरिनो। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है ठीक है, जो मोनाको है ये शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन रखती है दुनिया में। नेक्स्ट हमारे पास है कैलिफोर्निया इज नोन एज सिलिकॉन वैली बिकॉज ऑफ, कैलिफोर्निया जो कहलाती है सिलिकॉन वैली क्यों, हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, या कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की वजह से, या ब्यूटी एंड रिसोर्स की वजह से, या मिनरल्स एंड रिसोर्सेज की वजह से। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है ठीक है, जो कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस सिलिकॉन वैली इस वजह से कहलाती है क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज हैं ठीक है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है एशियाना एयरलाइन इज, एशियाना एयरलाइन है हमारे पास ये किस कंट्री की, एशियाना एयरलाइन जापान की, साउथ कोरिया, थाईलैंड या मलाइशिया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बी, साउथ कोरिया की जो एयरलाइन है वो क्या है, एशियन एयरलाइन है ओके। नेक्स्ट हमारे पास है चेन्नई इज द न्यू नेम ऑफ द इंडियन सिटी, चेन्नई न्यू नेम है इंडियन सिटी का, किस शहर का है, मद्रास, पोनगा, आगरा या लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, मद्रास का जो न्यू नेम है वो चेन्नई है ओके। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह है टेंज इज करेंसी ऑफ, टेंज जो कि करेंसी है किस मुल्क की, कीनिया की है, कर्गानिस्तान की है, कूबा की है या काजकस्तान की है। तो हमारे पास इसका राइट आंसर है डी ठीक है, जो टेंज करेंसी है वो काजकस्तान की है ओके। नेक्स्ट हमारे पास है अरामको इज एन ऑयल ऑयल कंपनी ऑफ, अरामको ऑयल कंपनी है किसकी, अमेरिका, रशिया, सऊदी अरेबिया या ईरान। तो आपको पता है सऊदी अरेबिया की जो ये अरामको कंपनी है, ऑयल कंपनी ठीक है। नेक्स्ट है बिन इज द इंटेलिजेंट एजेंसी ऑफ, बिन इंटेलिजेंट एजेंसी है इराकी, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, इंडोनेशिया की जो इंटेलिजेंट एजेंसी है वो बिन है। नेक्स्ट हमारे पास है हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबलोन वर लोकेटेड इन मॉडर्न डे, हैंगिंग गार्डन बेबलोन जो कि लोकेटेड है मॉडर्न डे में, सायरिया में है, इराक में, लिबनान में या जॉर्डन में। तो इसका राइट आंसर हमारे पास बी है, इराक के अंदर है ठीक है ये हैंगिंग गार्डन बेबलोन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक गेम वर हील इंक्रीज, फर्स्ट जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम जो हील हुई थी वो ग्रीस में हुई थी 1896 में, और किस मंथ में हुई थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ए है, अप्रैल में हुई थी ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है IMF वर्ल्ड बैंक हैव बीन क्रिएटेड थ्रू, IMF और वर्ल्ड बैंक की जरिए बनाया गया, क्या बनाया गया, याल्टा कॉन्फ्रेंस, न्यू दिल्ली या ट्रीटी ऑफ वर्सलिस या ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी है, जो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, IMF और वर्ल्ड बैंक के इश्तराक से ये के जरिए से बनाया गया था, इसका नाम क्या है, ब्रिटन वुड्स एग्रीमेंट ओके। नेक्स्ट हमारे पास है द सिंगल बिगेस्ट हाइड्रल पावर इंजीनियरिंग साइट, ये सिचुएटेड कहाँ पर है, ब्राजील, चाइना, यूनाइटेड स्टेट या इंडिया। तो आपको पता है चाइना के अंदर जो है हाइड्रल बिगेस्ट पावर इंजीनियरिंग साइट वो चाइना के अंदर है, सबसे बड़ा जो हाईएस्ट बिगेस्ट पावर ठीक है इलेक्ट्रिक पावर जो भी मनसूबा वो चाइना के अंदर सबसे बड़ा। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस हु डिस्कवर्ड अमेरिका वाज, जो क्रिस्टोफर कोलंबस था इसने डिस्कवर किया था अमेरिका को, तो स्पेनिश, ड्यूच, इटालियन, फ्रांस। तो ये कहाँ से किससे बिलोंग करता था, ये इटालियन था ठीक है
क्रिस्टोफर कोलंबस। ओके नेक्स्ट हमारे पास है हाउ फार इज डेड सी बिफोर मेडिटेरेनियन। डेड सी मेडिटेरेनियन से कितनी फासले पर, डिस्टेंस पर, 250 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर या 1654। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, 400 मीटर। डेड सी मेडिटेरेनियन से पहले दूर है, जिनके डिस्टेंस है, ठीक है, दोनों का आपस में। नेक्स्ट हमारे पास 38 पैरालाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। जो 38 पैरालाइन है ये बाउंड्री लाइन है एक्चुअली, ये किसकी है, म्यांमार की है, थाईलैंड या थाईलैंड एंड मलेशिया, या इंडिया एंड चाइना, या साउथ एंड नॉर्थ कोरिया। तो आपको पता है इसका राइट आंसर डी है, साउथ और नॉर्थ कोरिया की जो बाउंड्री लाइन है वो 38 पैरालाइन कहलाती है। नेक्स्ट है चील हैज द लॉन्गेस्ट शेयर। लॉन्ग चील लॉन्गेस्ट शेयर करता है, रखता है अटलांटिक सी, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी या पैसिफिक ओशियन। तो इसका राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन रखते हैं चील, क्योंकि आपको पता है पैसिफिक ओशियन चील में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लूजियम एंड एम्फी थिएटर वाज बिल्ट इन। क्लूजियम ये एम्फी थिएटर है, ये कहाँ पर बनाया गया था, एथेंस में, नेपल्स में, या रोम में, या मिलान में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, रोम के अंदर ये क्लूजियम ये थिएटर तो एम्फी थिएटर बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है माउंट किलिमंजारो, ये लोकेटेड है कीनिया में, तंजानिया में, युगेंडा में, साउथ अफ्रीका में। तो आपको पता है तंजानिया के अंदर माउंट किलिमंजारो लोकेटेड है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है द डीपेस्ट पॉइंट इन द पैसिफिक ओशन। जो डीपेस्ट पॉइंट है पैसिफिक ओशन में वो कौन सा है, टोंगा ट्रेंच, मैरियाना ट्रेंच, या पोर्ट्रो राइस ट्रेंच, या जावा ट्रेंच। तो इसका राइट आंसर है बी, मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस जमीन का क्या है, 220004 किलोमीटर, 30060 किलोमीटर, 40075 किलोमीटर, या 50075 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, 40075 किलोमीटर जो जमीन का सर्कमफेरेंस है, और ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जो चीपेस्ट सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का वो क्या है, हाइडल है, न्यूक्लियर है, सोलर है, या थर्मल। तो इसका राइट आंसर थर्मल, ठीक है। अक्सर लोग सोलर लगा देते हैं लेकिन ये सोलर नहीं है, इसका राइट आंसर थर्मल है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है द हेडक्वार्टर ऑफ WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये न्यूयॉर्क, रोम, जिनेवा, लंदन, कहां पर है। तो आपको पता है ये जिनेवा के अंदर है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग रैंक्स इन द एयरफोर्स इज हायर। एयरफोर्स में ना रैंक बताना है कौन सा हायर होता है, एयर कोमोडोर, या स्क्वाड्रन लीडर, या विंग कमांडर, या ग्रुप कैप्टन। तो उसका राइट आंसर हमारे पास ए है, एयर कोमोडोर, जो कि एयरफोर्स में ना रैंक में ये हाईएस्ट है, अवार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है टॉल्स्टॉय वाज ऑथर ऑफ फेमस नॉवल। टॉल्स्टॉय ये मशहूर तरीन नॉवल है, किसका, आइडियट क्या है, फॉर वुमेन, द बेल टॉल्स का है, डार्क कॉन्टिनेंट, या वार एंड पीस। तो आपको पता है टॉल्स्टॉय जो कि मशहूर तरीन नॉवल है वार एंड पीस से रिलेटेड है, ठीक है, वार एंड पीस। ओके ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ग्रीनविच सिचुएटेड है नियर, ग्रीनविच किसके करीब सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क, पेरिस, टोक्यो, लंदन। तो इसका राइट आंसर हमारे पास डी है, लंदन के करीब नियर सिचुएटेड है। नेक्स्ट है पुलिटजर प्राइज अमेरिकन अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिया जाता है पुलिटजर प्राइज, स्पोर्ट्स, स्कूबा डाइविंग, लेटर्स एंड जर्नलिज्म, या म्यूजिक। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास लेटर्स एंड जर्नलिज्म में, ये पुलिटजर प्राइज अमेरिका अवार्ड जो कि फील्ड में दिया जाता है, ठीक है, इस फील्ड में लेटर एंड जर्नलिज्म फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन रशिया इन द मंथ ऑफ। कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जो कि टुक प्लेस हुई थी रशिया में किस महीने में हुई थी, मार्च, जून, फरवरी या नवंबर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, फरवरी के मंथ में हुई थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट हमारे पास है द एपेक्स इलेक्टेड बॉडी इन इसराइल इज कॉल्ड। जो एपेक्स इलेक्टेड बॉडी, एपेक्स की इलेक्टेड बॉडी है इसराइल में, वो क्या कहलाती है, ठीक है, पार्लियामेंट, कांग्रेस, कनिस्ट या शूरा। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, ठीक है, क्निस्ट कहलाती है जो एपेक्स इलेक्टेड बॉडी है इसराइल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोरक्को एंड स्पेन आर सेपरेटेड। मोरक्को और स्पेन सेपरेट होती है बाय किस, ये आपको पता है मोरक्को और स्पेन को कौन सेपरेट करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मशहूर है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ओल्ड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर मोरक्को और स्पेन को सेपरेट करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल ऑफ जिम्बाब्वे। कैपिटल जिम्बाब्वे का कौन सा है, हरारे है, सियोल है, या प्रीटोरिया है, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, हरारे जो है वो जिम्बाब्वे का कैपिटल है। नेक्स्ट हमारे पास है इंडोनेशिया मलाइशिया आर सेपरेटेड। इंडोनेशिया और मलाइशिया सेपरेट हो रही है किसके जरिए से, आपको पता है गुल्फ ऑफ मलाइशिया, या मालाका स्ट्रेट, या नन ऑफ दीज। तो आपको पता है आई थिंक आपको मालूम होगा सी इसका राइट आंसर है।
इंडोनेशिया और मलाइशिया जो कि सेपरेट होती है मालाका स्ट्रेट से होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंटन इज अ सिटी, कैंटन शहर का नाम है, ये सिटी का नाम है, ये किस किस कंट्री के सिटी का नाम है? थाईलैंड, जर्मनी, यूएस, साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर हमारे पास सी है, यूएस की जो कंट्री है कैंटन, यूएस की कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रीनविच इज लोकेटेड इन, अब वो कह रहा है ग्रीनविच लोकेटेड है, ग्रीनविच ग्रीनलैंड में है, इंग्लैंड में है, हॉलैंड या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर है बी, इंग्लैंड में। पहले हमने एक एमसीक्यूज पढ़ा है, उन्होंने पूछा कि ग्रीनविच किसके करीब लोकेटेड है, ठीक है। नियर उन्होंने पूछा तो लंदन था, अब उन्होंने पूछा लोकेटेड कहां पर है, तो इंग्लैंड में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस तरह है, रिवर नील और ओरिजिनेट फ्रॉम, रिवर नील से ओरिजिनेट हो रही है, कौन सी लेक हो रही है? तो लेक विक्टोरिया है, स्प्रिंग्स इन कीनिया है, या लेक नाइसा है? तो आपको पता है आई थिंक, अगर नहीं पता तो इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, लेक विक्टोरिया है ना, ये रिवर नील से ओरिजिनेट हो रही है लेक विक्टोरिया। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है स्टूडेंट, ये आप रिवाइज कीजिएगा लाजमी, ये पीपीएससी के अलावा भी और तमाम पेपर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप करके जाएंगे इंशाल्लाह, रिवाइज करके जाएंगे आपको इंशाल्लाह तमाम जनरल नॉलेज आता होगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी इसके बाद, तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह।